तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था उसको जरा एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी, अगर आप में से किसी ने मिस कर दी थी वो थ्योरी वाली क्लास, तो शायद उसको प्रैक्टिकल समझना है तो वो उसकी फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप में भी। अच्छा, तो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उससे भी पहली क्लास में हमने करड़ ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था MongoDB के साथ, जिसके अंदर हमारे पास MongoDB का करड़ तो वैसे हमने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन जब हमने पहले बनाया था MongoDB का करड़ तो उसका जो फ्रंट एंड था वो एक प्लेन जावा स्क्रिप्ट की ऐप थी। लेकिन अब की बार हमने क्या किया है कि उसी करड़ जो ऑपरेशन था MongoDB का, सर्वर हमारा वही है, सर्वर में तो कोई चेंजेस नहीं की थी हमने, राइट। थोड़ा सा की वगैरह शायद चेंज किया था कि जी वो पहले हम लगाते थे प्रोडक्ट का शायद वो करड़ था, अब की बार हमने वो सोशल मीडिया का करड़ बनाया था कि जी उसमें ज़रा पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस इस तरह होती थी शायद, और अब की बार जो हमने बनाया था उसके अंदर टेक्स्ट और बॉडी होता था, टाइटल और बॉडी होता है, पिछली बार भी वही था। अच्छा गुड, चलो। तो हमने सर्वर में कोई ख़ास चेंज नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया है, जो फ्रंट एंड था हमारा जो कि प्लेन HTML की ऐप थी उसको हटा के उसकी जगह रिएक्ट की ऐप को हमने लगा दिया था, ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या करना है कि इस क्रड की ऐप के अंदर ना एक सर्च का फीचर बनाना है हमने। हमने क्या बनाना है, एक सर्च का फीचर बनाना है ताकि मैं जब सर्च लिखूं और इन तमाम की तमाम पोस्ट को क्या कर सकूं, मैं सर्च करके तलाश कर सकूं, क्योंकि अभी तो इसमें 4, 5, 10, 12 पोस्ट हैं, लेकिन जब इस पर ज़्यादा यूज़र आएंगे तो इसमें हज़ारों की तादाद में भी पोस्ट हो सकती है। तो मैं जब सर्च बार में लिखूँ तो मुझे क्या मिल जाए, जो मैं लिखूँ अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ इसमें मौजूद हो सर्च में तो वो मुझे मिल जाए, ठीक है। अच्छा, एक तो होता है ऑर्डिनरी सर्च। ऑर्डिनरी सर्च मैं ऐसे कर सकता हूँ कि शायद मैं उसमें टेक्स्ट लिखूँगा और टेक्स्ट लिख के उससे एग्जैक्टली मैच करता हुआ टाइटल जो है वो मैं MongoDB से लेकर आ जाऊँगा। ये तो आप सब लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं, MongoDB में फाइंड की क्वेरी हमने पढ़ी है। अच्छा, उससे एक थोड़ा सा बेहतर जो सर्च होता है वो कहलाता है फुल टेक्स्ट सर्च। अच्छा, फुल टेक्स्ट सर्च में क्या होता है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास है ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो या हेलो लिख दूँ मैं या वर्ल्ड लिख दूँ, दोनों सूरतों में मुझे ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं हेलो लिख दूँ तो भी मुझे सर्च में ये पोस्ट आनी चाहिए, और अगर वर्ल्ड लिख दूँ तो भी आनी चाहिए, यानी पूरे जुमले में से कोई एक वर्ड भी मैच हो जाए तो वो आ जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं फुल टेक्स्ट सर्च, ठीक है। जो हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन वो बहुत ईजी है, आप अलग से उसको देख सकते हैं MongoDB के अंदर जो है फुल टेक्स्ट सर्च किस तरह से वो कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उससे भी जो बेहतर लेवल है और आई थिंक इस वक्त सबसे बेस्ट जो सर्च की अप्रोच है वो हम कहते हैं वेक्टर सर्च, ठीक है। वेक्टर सर्च हमने लास्ट क्लास में थ्योरी अच्छे से डिस्कस की थी कि वेक्टर क्या चीज़ होती है, वेक्टर एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो वो दोबारा ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जब दो स्ट्रिंग डेटा को मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि वो दो डेटा आपस में कितना करीब है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी फुल टेक्स्ट सर्च में तो ये होता था ना कि या तो मैं हेलो लिखूं या तो मैं वर्ल्ड लिखूं तो ये पोस्ट आ जाती थी। अब की बार क्या होगा कि मैं हेलो भी ना लिखूं, मैं वर्ल्ड भी ना लिखूं, बल्कि मैं वर्ल्ड से करीब करीब कोई जुमला लिख दूं अगर, या कोई वर्ड लिख दूं तो भी आ जाएगा, सही है। अगर मैं वर्ल्ड से करीब करीब कोई बात लिखूंगा तो भी ये आ जाएगा। वर्ल्ड से करीब करीब क्या चीज़ हो सकती है, अर्थ। हाँ, अर्थ लिखूंगा तो ये आ जाना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि अर्थ के नाम से कोई दूसरी चीज़ नहीं है, अगर अगर तो एग्जैक्टली अर्थ मौजूद है तब तो वो टॉप पर आएगा। अगर अर्थ नाम से कोई पोस्ट नहीं है मेरे पास, यानी मेरे किसी भी पोस्ट के किसी भी पैराग्राफ में अर्थ का जिक्र नहीं है अगर, तो शायद वर्ल्ड को वो उसके बाद वर्ल्ड को वो देख रहा होगा, क्योंकि करीब तरीन जो अर्थ से वो वर्ल्ड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, क्या अगर मैं अर्थ लिखूंगा तो हाई भी आ जाएगा, इसका जवाब है हाँ आ जाएगा, लेकिन वो बहुत नीचे जाके आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोल जैसे हम मिसाल के तौर पे मैंने कराची शहर में एक घर पॉइंट किया, मैंने कहा यार ये वाले घर से ना करीब तरीन जो इसके 10 घर हैं वो मुझे ला के दे दो, तो अब उसके सराउंडिंग के जो 10 घर हैं वो मुझे ला के दे देगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बोलूँगा 20 ला दो तो 20 ला देगा, 200 ला दो तो 200 ला देगा। हो सकता है वो एक घर शायद मैंने सेलेक्ट किया हो गुलशन इकबाल में यहाँ पे, और मैं ऐसे करते करते मैं बोलूँ यार मुझे 1 लाख घर ला के दो, तो वो शायद एयरपोर्ट तक के घर मुझे उठा के दे दे ला के। तो मैं जितना बोलता जाऊंगा वो लाता जाएगा उससे करीब तरीन, जितना मैं बोलता जाऊंगा वो लाता जाएगा, वो मना नहीं करेगा मुझे, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, वो कितना करीब है वो ये देख के और उठा के लाके दे रहा होता है मुझे, ठीक है। अच्छा, फुल टेक्स्ट सर्च में भी हम एक्चुअली हम यही कह रहे होते हैं, फुल टेक्स्ट सर्च में हम कहते हैं कि यार अच्छा यार ये जो मैंने सर्च में क्वेरी लिखी है इससे जाओ डेटाबेस में और डेटाबेस से 100 रिजल्ट टॉप के जो है वो लेकर आ जाओ, ठीक है। लेकिन फुल टेक्स्ट सर्च में क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा उठकर आ जाए, क्योंकि फुल टेक्स्ट सर्च के अंदर वही चीज़ आएगी जिसमें हेलो या वर्ल्ड मौजूद होगा,
अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें हेलो या वर्ल्ड मौजूद है, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, फिर खाली आएगा। लेकिन वेक्टर डेटाबेस में मैं सर्च में कोई भी चीज़ लिखूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा। अगर वो वर्ड नहीं आया तो उससे करीब तरीन, या उससे करीब का भी कोई नहीं है तो उससे दूर तरीन जो है वो भी लेकर आएगा, यानी कुछ ना कुछ वो टॉप पर आपको ला के दिखाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट इस वक्त जो है ना सर्च की टेक्निक समझी जाती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ये बेस्ट भी नहीं होगी ऐसा है कि ये हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐप है, टेस्ट का रिजल्ट मैंने अनाउंस किया, अब बंदा अपना नाम लिख के सर्च करेगा या अपना रोल नंबर लिख के सर्च करेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं उसका, मतलब बंदे का नाम अगर मलिक है तो कोई किंग लिखता है तो मलिक सामने आ जाए, क्योंकि किंग और मलिक का एक ही मतलब होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना उसके अंदर। अब अरसलान लिखा है तो एग्जैक्टली अरसलान हो तो उधर आए, वरना मना कर दे वो कि भाई अरसलान का नाम नहीं है। या अगर उसने रोल नंबर लिखा है कि 2235, तो 2235 ही का रिजल्ट आए, ये नहीं कि उससे करीब तरीन को उठा के लेकर आ गया। तो हर जगह पे ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है। जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वो क्या जगह है, जैसे कहीं आर्टिकल पोस्ट होते हैं तो वो सर्च करना है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, OLX के ऊपर आप कोई टर्म लिखते हैं सर्च की वो सर्च करके लाना है कि जी आपने अगर लिखा है ना कि जी अगर आपने लिखा है 6 प्लस, आईफोन 6 प्लस लिखा है आपने, अच्छा तो अब 6 प्लस को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो मैं लिखूँ 6 स्पेस डाल के PLUS प्लस लिखूँ, और एक मैं 6 के आगे प्लस लगा दूँ। अब ये दोनों तरीके हैं, अब किसी ने प्लस लिखा होगा, किसी ने पूरा PLUS प्लस लिखा होगा, अच्छा किसी ने 6 के साथ मिला के प्लस लिखा होगा, किसी ने स्पेस दे के लिखा होगा, अब ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें वैक्टर सर्च सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें फुल टेक्स्ट सर्च जो वो फेल हो जाता है, क्योंकि किसी ने अगर मिला के लिखा है ना 6 प्लस तो वो नहीं आएगा, 6 लिखूंगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक है 6S प्लस। अब आप सोचो 6 और S के दरमियान में स्पेस है या नहीं है, और 6S और प्लस के दरमियान में स्पेस है या नहीं है, और PLUS या प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें फुल टेक्स्ट सर्च कभी भी अच्छा रिजल्ट लाकर नहीं देगा। यहाँ पे मुझे वेक्टर की शायद अशद ज़रूरत है इस सिचुएशन में। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इसी ऐप को इस सर्च फंक्शनैलिटी हमने लगानी है, और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट होते हैं, या यूँ कह लो कि हमारे पास ये एक सोशल मीडिया ऐप की सूरत है ये, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक पोस्ट करने का फॉर्म है और नीचे सारी की सारी पोस्ट मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक सर्च बनाता हूँ जिसमें मैं कोई भी बात लिखूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है ना ये रिजल्ट्स लाकर दे दे। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी पूरी की पूरी ऐप है इस वक्त यहाँ पे, इसकी मैं एक अदद कॉपी बनाना चाहूँगा, सही है, इस ताकि जो हमारा क्रड वाला तक का काम है वो अलग सेव हो जाए उसके बाद। ठीक है जी, ये कॉपी हो रही है, ये जैसी कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर आके अच्छा जी ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ कि वेक्टर सर्च विथ पाइनकोन। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है ना पाइनकोन है एक अदद डेटाबेस। अब सवाल ये है कि एक डेटाबेस हमारे पास है MongoDB, और एक अब आ गया नया डेटाबेस पाइनकोन। पाइनकोन जो है ना वो स्पेशली वेक्टर डेटाबेस के साथ ही वो मामलात को देख रहा होता है। अच्छा, हम पाइनकोन जो है ना वो कोई मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया है, जो उसकी परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है ना वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्री ट्रायल में वो कुछ भी नहीं दे रहा है, 0 फ्री ट्रायल दे रहा है। फिर दूसरा ये कि वो स्लो बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों चल रहा है, स्लो ही चल रहा है वो, पता नहीं फ्री वर्जन में वो स्लो चलता है या वह है ही स्लो वैसे। अच्छा, लेकिन हम पाइनकोन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये मार्केट में ज़रा ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, जो सारी फैसिलिटीज़ मुझे पाइनकोन में मिलती थी वो रिसेंटली अभी MongoDB ने भी अनाउंस कर दी है। MongoDB ने भी वेक्टर डेटा और वेक्टर सर्च ये दोनों अलाउ कर दिया है अपने डेटाबेस में। अच्छा, पाइनकोन को हम लेकिन पहले पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको हटा देंगे और हम MongoDB के वापस आ जाएंगे MongoDB पे, ठीक है। अच्छा, पाइनकोन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप अभी इंडस्ट्री में जाएंगे, जाहिर है, तो पाइनकोन एक बज़वर्ड है।
अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार आपको पाइन कौन आता है, तो आप तो हवा निकल जाएगी आपकी कि यार ये क्या चीज़ है। और उसके कॉन्सेप्ट भी ऐसे बेहुदा किस्म के अजीब से हैं ना कि वो समझ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। मुझे 3-4 हफ्ते लगे उसको हेलो वर्ल्ड बनाने में उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ों का नाम ऐसे वो बदला हुआ है ना कि वो लगता है कि कुछ और है हालांकि वो है कुछ और। जैसे मिसाल के तौर पर हम MongoDB के अंदर जो बनाते हैं क्लस्टर, डेटाबेस कह लो, क्लस्टर तो नहीं, खैर डेटाबेस जो बनाते हैं, अब उसको क्या कहते हैं, हम DB कहते हैं कि जी डेटाबेस बन रहा है। इसमें उसका नाम ही रखा है इंडेक्स, हालांकि इंडेक्स कुछ इन जनरल जो डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्स जिस चीज़ को कहते हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो क्या होती है जी कि किसी भी मैं कलेक्शन के अंदर किसी एक की को मैं बोलता हूँ कि जी तू इंडेक्स है, अपनी इंडेक्सिंग करो। तो जब भी नया डेटा इंसर्ट होता है तो उसकी इंडेक्सिंग परफॉर्म होती है। वो हमने जब MongoDB पढ़ रहे थे तो उस वक्त डिस्कस किया था, हम अंडरस्कोर ID जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, कि भाई फाइंड बाई ID क्यों फास्ट है, वो इसलिए फास्ट है कि वो उसकी इंडेक्सिंग हुई भी होती है और उसके ऊपर वो बाइनरी सर्च चला रहा होता है। बाइनरी सर्च भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उस टाइम पर। तो अब इन्होंने अपने डेटाबेस को बोल दिया कि तुम क्या हो, इंडेक्स हो। अच्छा, अब डेटाबेस के अंदर होते हैं कलेक्शन, या सीक्वल की ज़ुबान में बोलो तो टेबल। तो अच्छा, टेबल और कलेक्शन फिर भी मिलते जुलते वर्ड हैं। इन्होंने उसका क्या नाम रखा है, इन्होंने नाम रखा है नेम स्पेस। इसका नाम रखा है नेम स्पेस, ठीक है। अब ठीक है, नेम स्पेस भी चलो मेक सेंस तो है, लेकिन नेम स्पेस असल में अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड वाला बंदा है या इन जनरल कोई प्रोग्रामिंग वाला बंदा है तो उसमें नेम स्पेस एक मुख्तलिफ चीज़ को कहते हैं। C# वगैरह के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें एक नेम स्पेस बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, वो ये वाली चीज़ है नहीं वो। तो वेल, अभी इन्होंने ये भाई किया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने फ़िलहाल के लिए अपने सर्वर पे आना है। अच्छा, फ्रंट एंड पे कोई चेंज होगा नहीं, फ्रंट एंड पे कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारे सिर्फ सर्वर में ही चेंज होगा। अच्छा, फिर फ्रंट एंड एक सर्वर पे एक नई API बनेगी सर्च के नाम से। सर्वर पे क्या बनेगी, एक अदा नई API बनेगी सर्च के नाम से। अच्छा, तो हमने एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या करना है, जाते हैं जी हम पोस्ट वाले राउटर में, और जो यहाँ पे ये पोस्ट होता है ना डेटा, ये जो डेटा यहाँ पे पोस्ट होता है इसको हम फिलहाल सेव करवाते हैं MongoDB के अंदर, ठीक है। अब इसको हम MongoDB में सेव नहीं करवाएंगे हम, बल्कि इसको कहाँ सेव करवाएंगे, हम PineCone में सेव करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, और जब हम इसको सर्च करेंगे तो PineCone पर सर्च की रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये हमें पलट के डेटा देगा। अच्छा, तो ये इंसर्ट का जो कोड लिखा हुआ है हमारे पास क्या कहते हैं MongoDB के अंदर, इसको मैं अगर कमेंट कर दूं तो भी ठीक है, नई भी कमेंट करूं तो कोई मसला नहीं है, दोनों डेटाबेसेस में जा रहा होगा, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और इसी की यहां पे एन इसके नीचे मैं क्या कर दूंगा, लाके जी अपना जो है ना वो लगा दूंगा मैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले तो PineCone हम देख लेते हैं कि दिखने में कैसा है ये, ठीक है जी। हमने ओपन कर लिया इसको, खुल जा भाई, क्या हो गया। अच्छा, ये जी PineCone है, इन्होंने इसको देखो वेक्टर को इसी तरह रिप्रेजेंट किया हुआ जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था। अच्छा अच्छा, इसके साथ इसका जो है ना जनरेटिव AI के साथ भी काफ़ी सारे यूज केसेस इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो ये ना सिर्फ वेक्टर सर्च, वेक्टर डेटाबेस और वेक्टर सर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि जो हम जनरेटिव AI के जो आप समझ लें जो लैंग्वेज मॉडल है, जो लैंग्वेज मॉडल जिसको इन जनरल हम कह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो स्पेसिफिकली हम उसका नाम हमने ChatGPT आमतौर पे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, लेकिन इन जनरल इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, इस तरह के जो आप कह लें चैट बॉट हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, सही है। लैंग्वेज मॉडल मार्केट में और भी बहुत सारे हैं, ChatGPT का भी version 4 है सबसे लेटेस्ट, उसके अलावा बार्ड है, उसके अलावा ये फेसबुक वालों ने LLMDA करके एक निकाला हुआ है, और भी एक दो आ गए हैं छोटे छोटे, हगिंग फेस ने भी अपना एक निकाल दिया है। तो छोटे छोटे आ गए हैं बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल। तो ये जितने भी लैंग्वेज मॉडल हैं ना, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी देने के लिए भी वेक्टर डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वो हम कवर तो नहीं करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि पाइन कोन के जो बज वर्ड बनने का एक रीज़न ये भी है कि वो जनरेटिव एआई के साथ एसोसिएट हो गया है। तो जहाँ पे चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई और लैंग्वेज मॉडल का बज वर्ड ऊपर जा रहा है, ट्रेंडिंग पकड़ रहा है, तो साथ साथ ये वाला वर्ड भी उसके साथ साथ ऊपर जा रहा है। अरे बच्चा खुल जा आज की ज़िंदगी में। अच्छा वेल, मैं वर्बली बता देता हूँ, ये खुलने का तो नाम नहीं ले रहा। इसको हम खोलते हैं, साइन अप मारते हैं, साइन अप मारने के बाद क्रिएट फ्री, एक फ्री इंडेक्स बनाने देता है ये आपको, एक फ्री इंडेक्स बनाते हैं हम चुप करके। अंदर मुझे जो है ना एपीआई की जगह पे दो चीज़ें मिलती हैं, जो मोंगोडीबी में होता है ना यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, इसके अंदर उन्होंने नाम क्या रखा है, इन्वायरमेंट और एपीआई की, ये नाम रखा है उन्होंने, सही है। तो आ जाते हैं, हाँ हर चीज़ का नाम इन्होंने अपना रखा है, ये लेवल किया उन्होंने, नाम पुराना कोई भी यूज़ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बोला भाई या तो हम हो जाएंगे फुल फेमस, और अच्छा मैं एक न्यू विंडो खोल रहा हूँ, और न्यू विंडो खोल के मैंने एक ज़रा ये वेक्टर डेटाबेस का जो मैंने हेलो वर्ल्ड बनाया था ना, तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना उसमें ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर की हुई हैं पहले, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों को लगाना आता है, ठीक है। .env हमने इस्तेमाल किया है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक पाइन कोन का डेटाबेस बना के ना, अच्छा API की और इन्वायरमेंट ना ये इंडेक्स से ताल्लुक नहीं है, ये आपके अकाउंट का होता है। तो जैसे ही आप पाइन कोन पर साइन अप करेंगे ना, तो ये API की और ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये दो चीज़ आपको मिल जाएगी, ये समझ लें यूज़र नेम और पासवर्ड के तौर पर ये चल रहा होता है। अच्छा वंस आप इंडेक्स बनाएंगे तो आपको इंडेक्स नेम मिलेगा, जिस नाम से डेटाबेस बनाएंगे वो नाम एग्जैक्टली, उसके बाद नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या है, आपकी कलेक्शन है, ये आपके डेटाबेस का नाम है और ये आपकी कलेक्शन का नाम है। अच्छा आप जिस कलेक्शन में डेटा डालेंगे फिर सर्च भी उसी कलेक्शन से करेंगे, लेकिन अभी सरप्राइज़ ये हुआ है कि जब मैं इसको हेलो वर्ल्ड बनाया था मैंने ये आज से एक महीने के पहले करीब, उस वक्त तक नेम स्पेस फ्री वाले वर्जन पर ये अलाउ करते थे। अभी इन्होंने क्या किया है, कल मैंने ये क्लास पढ़ाई है एक जगह, तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ, बच्चे बता रहे हैं सर ये तो नेम स्पेस का एरर दे रहा है कि भाई फ्री वाले में नेम स्पेस अलाउ नहीं है, तो फिर आप नेम स्पेस हटा देते हैं। अब नेम स्पेस हटा देते हैं तो आप समझ लें कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे ना, यानी एक ऐसी कलेक्शन बन जाती है जिसका कोई नाम नहीं है, तो बगैर नेम स्पेस के आप डालते हो तो उस कलेक्शन में जा रहा होता है ना। समहाउ इन्होंने ये किया कि एक एक कलेक्शन, यानी आपको एक डेटाबेस, एक इंडेक्स और एक कलेक्शन या नेम स्पेस, तो एक डेटाबेस और एक कलेक्शन आपको अलाउ कर रहे हैं ये फ्री वाले वर्जन में, ठीक है। उसमें भी सीन ऐसा है कि वो 3 मिनट के अंदर, पता नहीं वो लिमिटेड इनकी API कॉल हैं, उतनी API कॉल पूरी होती है तो आपको वो फिर टू मैनी रिक्वेस्ट भी बोलना शुरू कर देता है। तो यानी वेदर API जो हमने इस्तेमाल की थी ना बिल्कुल फ्री वाली, उससे भी गया गुजरा ये फिलहाल, लेकिन किसी हद तक ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये रिलेटिवली एक छोटी कंपनी है और इनको भी बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है अचानक ना, तो जाहिर है इनके लिए एक मुश्किल शायद मरहला है ये अपने लोड को बैलेंस करना। तो मैं ये पूरी इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो फाइल है ना वो क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, मेरे पास, अच्छा मेरे पास .env है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, तो ये पूरी फाइल फिर मैं कॉपी करके ना इधर ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा इस फाइल का जो कंटेंट है वो मैं, वो मैंने क्लोक किया हुआ है, ये छोटा सा वो है आपका, इसको मैं ज़रा स्क्रीन से बाहर करूँ ना API की को, तो आप देखें ये जब दबाता हूँ ना मैं तो ये की जो है ना विजिबल हो जाती है, ठीक है, और जब इसको दोबारा दबाता हूँ तो की दोबारा से क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड का, VS कोड का, ये आप लोग भी इंस्टॉल अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी API की किसी को नज़र नहीं आएगी, अगर आप किसी को स्क्रीन दिखा रहे हैं या मेरी तरह आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कहीं अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चीज़ नहीं आएगी। अच्छा इसके अंदर इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या क्या कुछ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है सबसे पहले OpenAI की की। OpenAI की हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम OpenAI की सर्विस है उसके ज़रिए एम्बेडिंग हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो वेक्टर बनाएंगे हम वो इसके ज़रिए बनाएंगे OpenAI के ज़रिए। अच्छा फिर पाइन कोन में उसको स्टोर करवाएंगे हम, ठीक है। अच्छा अल्टीमेटली इसको हम पाइन कोन में स्टोर नहीं करवाएंगे, MongoDB में करवाएंगे, लेकिन OpenAI अपनी जगह पर रहेगी। अच्छा OpenAI के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम मौजूद हैं जो फ्री भी हैं और पेड भी हैं, दोनों तरह के हैं, जो वेक्टर में बना के देते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच है वेक्टर बनाने की ना, जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेक्टर जिसका एल्गोरिथम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसका डिसीजन होता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के कितने करीब है, तो वो OpenAI वाला जो है ना वो अच्छा चल रहा है इस वक्त मार्केट में, तो सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। इनका जो बेंच मार्क है वो भी सबसे अच्छा है, बेंच मार्क मतलब कि जब मैं एक इनपुट देता हूँ तो कितनी देर में मुझे वो रिटर्न करता है उसका जवाब बना के, ठीक है, तो ये भी मैटर करता है, तो इनका बेंच मार्क भी
लोगों के मुताबिक, मैंने खुद तो नहीं चेक किया, सब लोग कह रहे हैं इनका बेंचमार्क भी अच्छा है, इनका खुद का सेलिंग पॉइंट भी यही है कि हमारा बेंचमार्क सबसे अच्छा है। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, ओपन एआई की एपीआई की एनवायरनमेंट आ गया, इंडेक्स का नाम आ गया, नेम स्पेस का नाम आ गया, ये सारी चीज़ें मेरी सेट हो गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अपने सर्वर के ऊपर आके इसको इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। फाइव रिएक्ट, सिक्स, ये हो गया जी। उसके बाद मैंने कहा कि एन पी एम आई डॉट ई एन वी, सूडो लगा के करता हूँ। ठीक है जी, इम्पोर्ट, स्लैश कॉन्फिग। ठीक है जी, डॉट ई एन वी स्लैश कॉन्फिग लिखता हूँ मैं, तो मेरा जो डॉट ई एन वी है ना वो चल पड़ता है, अदरवाइज वो डॉट ई एन वी की फाइल खुद से लोड नहीं करता है। अच्छा, एक और मुझे भी बात याद आई, अब ना हमें डॉट ई एन वी का पैकेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, क्यों नहीं पड़ेगी बताता हूँ। नॉट जे एस के अंदर बिल्ट इन एक फीचर आ गया, ये ई एन वी फाइल। ठीक है, नॉट जे एस के अंदर ई एन वी की फाइल को हैंडल करने का एक बेटर वे आ गया है। आई एम नॉट श्योर कि वो इतना नया है कि अभी पता नहीं गूगल पे वो मिले या ना मिले। नहीं, एक तो ये है ना, ये वाला नहीं है। हाँ, ये आ गया ना, नॉट ई एन वी, नहीं ये भी नहीं है। यहाँ पे ई एन वी की फाइल का ना पूरा नाम अब बताने का ऑप्शन आ गया है। अब मुझे ये नहीं पता है लेकिन कि वो स्टेबल वाले में आया है या उसमें आया है। अच्छा, इसने भी बोला कि डॉट ई एन वी इंस्टॉल कर लो। हाँ, वेल, सीन्स कुछ ऐसे हैं मेरे भाई कि अब आप आते हो ना यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन में आप लगाते हो ना, यानी एन पी एम रन डेव है जो, तो यहीं पे जो है ना आप माइनस माइनस ऐसे करके ना ई एन वी करते हो ऐसे, और आगे ना इक्वल्स करके आप बताते हो कि कौन सी है मेरी मेरी जो फाइल है ना वो ऐसे है डॉट ई एन वी, इस तरह का कुछ मतलब आ चुका है। ठीक है, और इस तरह करके आप जब इसको चलाते हो ना तो ये बोलता है कि हाँ यार सही है, मुझे पता लग गया कि ई एन वी की फ़ाइल जो है ना कौन सी है। अभी तो खैर ये ब्रेक हो रहा होगा इस तरह लिखने से। एन पी एम रन डेव, अभी तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि जो है ना डॉट ई एन वी क्या चीज़ है। एक दफ़ा और सर्च मारते हैं लास्ट, हाउ टू यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड नॉट जेएस, ये दिसंबर 2021 की है। तो हाँ, नॉट जेएस इंक्लूड बिल्ट इन सपोर्ट, ये कब का आर्टिकल है भाई, 5 तारीख नवा महीना, 2-3 दिन पहले गए। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये सही बात बता दी होगी इसने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फीचर बड़ा छोटा होता है लेकिन जब आता है ना तो मार्केट में एकदम तहलका मचता है, तो वन ऑफ दोज फीचर्स है ये कि एकदम सब लोग इसकी बातें कर रहे हैं ना। अरे खुल जा, देख लो यार, यार इंटरनेट में आज कोई मस्ती हुई भी है ना भाई। डिस्कनेक्ट मारो सारे अपने अपने वाईफाई, इधर देखना है ना, अभी तो करना तो कुछ नहीं है ना, इधर सारे डिस्कनेक्ट मार के इधर देखो। सही है, अपने फ़ोन के भी वाईफाई यार अगर कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट कर दो। ले भाई, ये तो खोलने से ही मना कर दिया इसने। अच्छा, पाइन कोन फाइनली खुल गया हमारे पास। अच्छा, ये क्रिएट इंडेक्स का बस ऐसे ही खुलेगा, ये साइन अप होने के बाद ऐसे खुलेगा। अच्छा, यहाँ जाओगे आप एपीआई की पे तो ये आपको एनवायरनमेंट ये मिल गया, और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू मिल, यानी जो एपीआई की मिल गई और ये एनवायरनमेंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद आप आओगे इंडेक्सेस में। अच्छा, इंडेक्सेस के अंदर आप आके ये एक क्रिएट नया इंडेक्स बनाओगे आप, और ये आपके इंडेक्स का जो है ना नाम हो गया। सही है, जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में इसका नाम भी रखा हुआ है। अच्छा, इसका नाम रखने के साथ साथ अब नेम स्पेस जो है वो पहले से इसमें होता नहीं है, जो नेम स्पेस लिखोगे उसमें आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि ये डेटाबेस ज़रा पहले का बना हुआ है तो इसमें शायद एक आध नेम स्पेस नज़र आना चाहिए मुझे, लेकिन ये अभी तक पेज ना लोड हो रहा है एक्चुअली।
अच्छा हाँ, एक तो बात मैं इंक्लूड करना भूल गया, वो बात मैं इंक्लूड ये करना भूल गया कि जब आप इंडेक्स बनाओगे ना, तो ये आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा डायमेंशन। तो डायमेंशन आपने रखना है 1536, ठीक है? क्योंकि ओपन ए आई जो वेक्टर, हम क्योंकि ओपन ए आई से वेक्टर बनवाएंगे, तो ओपन ए आई जो वेक्टर देता है ना, उसका डायमेंशन ये फिक्स है, ओपन ए आई वालों ने बोला हुआ है। तो अगर मेरा डेटाबेस जो होगा ना, ये यानी कि मेरा इंडेक्स जो होगा, अगर उसका डायमेंशन ये नहीं होगा एग्जैक्टली, तो मेरा वो डेटा सेव नहीं होगा, इसमें एरर दे देगा। तो ये जब आप क्रिएट इंडेक्स करोगे ना, आओ ज़रा यार, असल में तो फ्री वाला है ना। हाँ ये देखो ना, सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे ये डायमेंशन मुझसे पूछता है, डायमेंशन में लिखूंगा 1536, और ये मैट्रिक करके एक चीज़ है, ये तीन अप्रोच है अलग अलग, लेकिन इसको डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना, अभी ये फिलहाल इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक नाम दोगे अपने इंडेक्स का, जो भी नाम देना हो, स्टार्टर प्लान है, दैट्स इट, और तो कुछ ऑप्शन ये वैसे दे भी नहीं रहा, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक लिमिटेशन और ये भी है, वन ऑफ दोज, एक और लिमिटेशन, वन ऑफ मैनी लिमिटेशंस, कि 7 दिन तक अगर आपने इसमें कोई टेस्ट उस नहीं किया ना, तो ये आपके डेटाबेस को ज़ीरो कर देगा, यानी तमाम का तमाम डेटाबेस के अंदर जो मौजूद डेटा है, इंडेक्सेज हैं, कलेक्शन नेम स्पेस, सब उन सबको ये उड़ा देगा। अच्छा, यहाँ पे एक कलेक्शन नाम से भी एक चीज़ है सही है, क्योंकि जो कलेक्शन जो एक्चुअल थी MongoDB के एक सेंस में, उसको तो इन्होंने बोला कि ये इंडेक्स है और नेम स्पेस है, अब कलेक्शन के नाम से भी इन्होंने एक चीज़ रखी है, लेकिन इसको भी फिलहाल अभी इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ये कलेक्शन इन्होंने किसी तीसरी चीज़ का नाम रखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब आप यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे, तो 1536 डायमेंशन का ही आपने डेटाबेस बनाना है, यानी 1536 डायमेंशन का ही आपने इंडेक्स बनाना है। और यही जब हम इंशाल्लाह जब पाइन कोन कम्प्लीट करने के बाद, यही पाइन कोन वाला काम हम MongoDB में करेंगे ना, तो उसमें भी ये चीज़ होगी। आप देखेंगे कि जब उसमें भी हम बनाएंगे ना इंडेक्स, तो हमें बताना होगा कि जी ये कितने डायमेंशन का है, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल इस डैशबोर्ड में और कुछ ऐसा है नहीं, अब हमारे पास API की वगैरह सब कुछ मौजूद है। अच्छा, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके चला जाता है। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट से फिलहाल लेकिन मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ज़रा सा ना वो बिगनर्स के हिसाब से अभी इन्होंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, ठीक है? तो जैसे फायरबेस का डॉक्यूमेंट है ना, बड़ा अच्छा है वो, इस हिसाब से कि गाइड है, बिगनर वाला कोई भी बच्चा पढ़ता है कि तो उसको सीख जाता है फ़ौरन ना, तो उसमें ज़रा डॉक्यूमेंट से लेके चलना मुनासिब रहता है। इसकी डॉक्यूमेंट ना अभी काइंड ऑफ एक रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि हमेशा जो सॉफ्टवेयर के अंदर या लाइब्रेरीज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो दो तरह की होती है, एक तो होती है गाइड, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं बिगनर टू एडवांस, और एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस ये होता है कि जी आपको हर चीज़ आती है, आप जस्ट आते हो मेक श्योर करने के लिए कि अच्छा जी ये फंक्शन लिख रहा हूँ क्या नाम इसका यही है, कुछ और तो नहीं है, तो इसके लिए आप आते हो सीधा रेफरेंस में। तो इनके पास ना इस वक्त रेफरेंस तो मौजूद है, गाइड इनकी कोई अच्छी है नहीं फिलहाल, तो इसलिए मैं डेटाबेस का इसका डॉक्यूमेंट खोलने से फिलहाल मैं कर रहा हूँ परहेज़, ठीक है यार? ये खुल रहा नहीं है। बहरहाल चलो, मैंने ये बात बता दी है कि जो है ना कैसे करके होता है, तो अगर कोई भी आप में से चाहे ना, तो उसको खुद से एक्सप्लोर कर सकता है। यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुल रहा है क्यों नहीं है? नेट भले स्लो चल रहा है, लेकिन खुलना तो चाहिए। एक दफ़ा ज़रा इंटरनेट की स्पीड में चेक करूँ। भाई खुल ही नहीं रहा, कुछ नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये मेरा जो ये वेक्टर डेटाबेस का हेलो वर्ल्ड मैंने बनाया हुआ था ना, यहाँ से मैं सारा का सारा कोड क्या करने लगा हूँ, कॉपी करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, पाइन कोन को इंक्लूड कर लेना है ऊपर, साथ साथ मैंने ओपन एआई को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है? साथ साथ मैंने क्या कर लेना है, नैनो आईडी के नाम से एक चीज़ है, उसको इंक्लूड कर लेना है, ठीक है? कॉपी। नैनो आईडी क्या है, क्योंकि जाहिर है MongoDB तो मुझे खुद आईडी बना के देता है ना, पाइन कोन नहीं देता। पाइन कोन बोलता है आप खुद मुझे यूनिक आईडी प्रोवाइड करोगे, तो मैं नैनो आईडी से क्या करूँगा, ये एक टूल है छोटा सा, हमने पहले भी शायद यूज़ किया है इस क्लास में, एक यूनिक आईडी जनरेट करने के ये काम आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने सर्वर पर आके server.mjs के ऊपर इसको क्या, अच्छा ये तो उसको तो सही कर दूँ, मैंने package.json में जो ये सीन उल्टा किया है, सही है, इसको सेव कर दिया ताकि ये साइट चले बिल्कुल। अब और अब मैंने क्या करना है, मैं आता हूँ अपने server.mjs में, और server.mjs में आने के बाद मैं जो है ना यहाँ पे ये तमाम की तमाम लाइब्रेरीज, यानी कि पाइन कोन और ओपन ए आई, अच्छा इन दोनों को मुझे इंस्टॉल भी करना होगा ऑब्वियसली, तो इसको मैं रोकता हूँ अपने चलते हुए सर्वर को, और मैं बोलता हूँ कि जी sudo npm i, और साथ में मैं लिखता हूँ ये पहले पाइन कोन का ये जो पूरा नाम है ये लिखा मैंने, ठीक है जी, स्पेस और ओपन ए आई, ठीक है? npm i करके मैं स्पेस डाल के 3 4 5 लाइब्रेरी एक साथ भी एक साथ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, सही है? तो मैंने दोनों लाइब्रेरीज एक ही साथ इंस्टॉल कर दी, नैनो आईडी भी मैंने लिखना था, नैनो आईडी भी इसमें इंस्टॉल नहीं है। सही
सही है जी। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, यानी ओपन एआई को मैंने इनिशियलाइज़ करना है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको मैं इनिशियलाइज़ भी कर लेता हूँ आके, जहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है उसी के फ़ौरन बाद इस जगह पे आके मैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी न्यू कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया, ये मैंने ओपन एआई से इनको इंक्लूड मारा है, ठीक है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन, अंदर एपीआई की डाली इसके और ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैंने कहा कि जी न्यू ओपन एआई एपीआई, अच्छा ओपन एआई में एपीआईज़ के अलावा भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने एपीआई इस्तेमाल करनी है इसलिए हमने एपीआई यहाँ पे लिया है। अच्छा ये चीज़ें मैंने कहाँ से देखी हैं, ये मैंने ओपन एआई के अपने डॉक्यूमेंट से ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, दो ही लाइन का कोड है, तो इसके लिए शायद ओपन एआई की डॉक्यूमेंट पे मैं जाना नहीं चाहूँगा फिलहाल, ठीक है। तो बस ये इतना ही कोड है, आपने हर दफ़ा इसको इसी तरह लिखना है, ठीक है। अगर कोई अगर जाना चाहे तो वो जा, अच्छा ये खुल गया भाई, अच्छा ये इस तरह है भाई, ठीक है। नॉट डॉट env फाइल, env स्पेस डाल के फाइल का नाम लिखो आगे तो फाइल उसी तरह चलेगी। ठीक है, अच्छा दो तीन चार फाइलें भी दे सकते हैं, वाओ गुड। चलो बंद करते हैं इसको फिलहाल। और मैं कहाँ जा रहा था, ओपन एआई की डॉक्यूमेंट्स पे। अगर किसी ने जाके देखना है डॉक्यूमेंट्स तो ये आ गया ओपन एआई एपीआई इंट्रोडक्शन, सही है। इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें डिवेंची इनका है और पता नहीं विस्पर है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एम्बेडिंग मॉडल है हमारा, ठीक है। ओके ये रहा मॉडल्स पे मैं जाता हूँ इसके, है ना, यहाँ पे मॉडल्स लिखा मैंने और मॉडल्स पे जाने के बाद ये एम्बेडिंग मॉडल जो है, एम्बेडिंग का एक ही मॉडल है इनका, ठीक है। एम्बेडिंग का जो मॉडल है उसका नाम है टेक्स्ट एम्बेडिंग 002 नाम है इसका, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किधर है भाई, ये तो अनाउंसमेंट तो ये ब्लॉग में लेके चला गया ना मुझे। वेल ब्लॉग से ही कहीं ना कहीं मुझे वो डॉक्यूमेंट की तरफ भी लेके जाएगा आगे। सही है, रीड डॉक्यूमेंटेशन। सही है जी, मैं कहाँ आ गया, डॉक्यूमेंट स्लैश गाइड स्लैश एम्बेडिंग। अब ये एम्बेडिंग का ना ये गाइड आ गया। अब कह रहा है जी इसके ये सारे यूज़ केसेस हैं, हम जो है ना सर्च वाला यूज़ केस फ़िलहाल अभी कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें भी खुद ही समझ आ जाएंगी ना जब ये आप करेंगे तो, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दी हुई है, जावास्क्रिप्ट वाली एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने नहीं की हुई है, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ये एक्चुअली रेस्ट एपीआई है तो यहाँ पे कर्ल भी इन्होंने बना के दिया हुआ है। अगर मैं कर्ल से करूँगा तो मैं एक्सियोस कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सियोस से मैं क्या करूँगा, एक इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट मारूँगा, रिक्वेस्ट कौन सी होगी, गेट की रिक्वेस्ट, ठीक है। जब अगर मेंशन नहीं है तो गेट की रिक्वेस्ट होती है कर्ल के अंदर। कर्ल एक छोटा सा टूल है जस्ट लाइक पोस्टमैन, लेकिन सीएलआई बेस है, ठीक है। कर्ल जो है वो क्या है, पोस्टमैन की तरह का टूल है, कंप्लीट पोस्टमैन वाली सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं, लेकिन ये सीएलआई पे चलता है, टर्मिनल के ऊपर चलता है, ठीक है। कर्ल इसलिए देते हैं कि जी सर्वर एनवायरनमेंट में यूआई नहीं होती, सारा सीएलआई पे चल रहा होता है, ठीक है। माइनस एच करके सारे हेडर दे दिए, और ये माइनस एच करके दो हेडर दिए इसने, और माइनस डी करके बॉडी प्रोवाइड कर दी। तो बॉडी में ये लिखूंगा, गेट की रिक्वेस्ट करूंगा, एपीआई की साथ भेजूंगा, तो जवाब मुझे एक्सियोस के जरिए भी मैं इससे बात कर सकता हूँ एपीआई के थ्रू। लेकिन मैंने कहा यार जावास्क्रिप्ट वाली इनकी लाइब्रेरी ना क्योंकि आ चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है, तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाके अगर मैंने जावास्क्रिप्ट वाले उसका देखना है ना, अगर मैंने कहा npm आई ओपन AI, ठीक है। तो ये मुझे npm वाला इसका पेज ला के दे देगा, ये ना ओपन AI के नाम से इनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी आ गई, और इसी लाइब्रेरी के अंदर इनके GitHub का भी वो लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया किससे, पाइनकोन के डैशबोर्ड से, उसमें इंडेक्स बनाना, API की गेट करना, दूसरा ओपन AI के अंदर जाके। ओपन AI की मैंने आपको अभी तक API की बनाना नहीं बताई, वो बता देता हूँ। ये जी GitHub की इनकी रिपोजिटरी आ गई, यहाँ पे ना इन्होंने पूरा का पूरा गाइड लिखा हुआ है कि ये लाइब्रेरी चलेगी कैसे, ये इंस्टॉल कैसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एम्बेडिंग का कहीं ना कहीं जो है ना, अच्छा एम्बेडिंग तो इधर पता नहीं कंट्रोल एफ में तो नहीं आया, वेल ये एग्जांपल्स के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। एग्जांपल के फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, और एग्जांपल के फोल्डर के अंदर जाने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे एम्बेडिंग की एग्जांपल नहीं है। पता नहीं मैंने कहाँ से देख के बनाया, मैं खुद भी भूल गया, छोड़ो।
सही है, बाकी सारी चीज़ें हैं, एम्बेडिंग का कोड नज़र नहीं आ रहा मुझे वहाँ पे। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, एपीआई की तो ज़ाहिर है, ओपन एआई की भी चाहिए मुझे। ओपन एआई के बारे में भाई गुड न्यूज़ ये है कि ये फ्री नहीं है, ओपन एआई जो है वो पेड है और आपने इसको पेड पैसे पे करने ही पड़ेंगे आपको इसको, ठीक है। ये वो वाहिद चीज़ है जिसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ़ौरी तौर पर आप सादा पे का कार्ड बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर साइनअप मारो, $5 को दे दो। $5 इतना होता है कि ये कोर्स ख़त्म होने तक वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है, मैं ये इस वक्त openai.com पे लॉगिन हूँ मैं, राइट, openai.com पे लॉगिन हूँ मैं। यहाँ जाता हूँ और मैं जाता हूँ व्यू API की के ऊपर, मैंने यहाँ क्लिक किया और ये व्यू API की के ऊपर मैं इस वक्त आ चुका हूँ, ठीक है। मेरे पास दो API की बनी हुई है, API की ऐसे मैं नई API की बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो पहले वाली है ना वो ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वंस ये अभी इसको मैं शो भी नहीं कर सकता, अभी इसको मैं दोबारा देख नहीं सकता, ये अब छुपी ही रहेगी। अभी इसको ऑप्शन यही है कि इसको मैं डिलीट मार के नया बना लूँ, ये एक वाहिद ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा मैं यूजेज में जब जाऊँगा तो ये मुझे बता रहा होगा कि कितना यूज़ हो चुका है, कितना बिल मैं बना चुका हूँ। मैं 0.04 का बिल बना चुका हूँ, $10 मैंने इसको दिए हुए, ठीक है। उसके अलावा जो बिलिंग है, बिलिंग में यहाँ पे जो है ना पे एज़ यू गो पे इस वक्त मैं हूँ। जब आप साइन अप करते हैं तो आपको $18 का फ्री क्रेडिट ये दिया था इसने मुझे, अब मुझे नहीं पता, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि अभी कम दे दिया इन्होंने, अब $5 दे दिया और वो भी 25 दिन के लिए। सही है भाई, एक्सपेंसिव नहीं, असल में सही है, ठीक है यार। देखो जब ये ट्रेल कम कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, तो ट्रेल वर्जन जब भी ये कम से कम करते जा रहे हैं ना तो ये अच्छी बात है। वैसे तो ये एज अ स्टूडेंट आप सोचोगे कि यार ये फ्री नहीं दे रहा तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो जो हाईली इन डिमांड है, इतनी डिमांड में है कि जो जिस बंदे की टेक्नोलॉजी है वो फ्री दे नहीं पा रहा, क्योंकि फ्री में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए वो फ्री दे नहीं पा रहा, तो अच्छी बात है यार। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी को सीखना एक बेनिफिशियल चीज़ है आपके लिए। अच्छा तो वंस वो आपके 25 दिन पूरे होते हैं वो क्रेडिट आपका हो जाता है एक्सपायर, भले आप यूज़ करो या ना करो, $5 आपको देगा वो एक्सपायर हो जाएगा। वो जैसे ही क्रेडिट ख़त्म हो उससे पहले ही आप कार्ड लगा दो अपना और $5 कटवा दो, सही है। अब मैंने देखो पिछले, अगर मैं आपको बिलिंग चेक कराऊं, हालांकि मैं कंटिन्यूसली इस पर प्रैक्टिसेस कर रहा हूं, तो बिलिंग हिस्ट्री पे मैं जाता हूं तो क्या मेरा इसने बिल बनाया है पिछले, मैं 2-3 महीने हो गए कार्ड लगा दिए, अच्छा इनवाइस ही नहीं बनी है क्योंकि वो पैसे से ऊपर ही नहीं गया जो मैंने उसको दिए, मैं तो कोई इनवाइस नहीं बनी हुई। वेल तो मैं इधर आ जाता हूँ वापस और मैंने API की यहाँ से आपको बनाना बता दी कि कैसे बनेगी। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद और पाइन कोन का कॉन्सोल जस्ट मैं खुला छोड़ देता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ आता हूँ, अगला काम मेरा क्या है, अगला काम मेरा ये है कि मैंने OpenAI को भी इनिशियलाइज़ कर लिया, पाइन कोन को भी इनिशियलाइज़ कर लिया, दोनों को मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। अब मैंने काम ये करना है कि जो पोस्ट की API जो बनती है, अच्छा यहाँ पे मैंने OpenAI को कॉपी किया है और पाइन कोन वाला पार्ट नहीं किया मैंने ना, पाइन कोन वाला पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ कौन सी API फ्री में बन रही है भाई, तो पहली तो शुरू में फ्री में ही बनेगी ना, मैं बता तो रहा हूँ। अब क्या मसला हो गया भाई इसको, अच्छा इसमें ना कुछ चेंज आया है, इसमें क्या चेंज आ गया भाई, चल के देख लेते हैं यार इसमें कोई चेंज आया भाई। OpenAI की जो लाइब्रेरी थी जिस तरह मैं पहले यूज़ कर रहा था वो वैसे नहीं चलेगी, तो देख लेते हैं भाई कैसे चलेगी। अबे क्या मसला हो गया उसके साथ यार, अच्छा अब ये इस तरह चलेगी भाई, ठीक है, इम्पोर्ट इस तरह होगी और चलेगी इस तरह, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन करके था ना ये अब तरीका ऑब्सोलीट हो गया, अब ये इस तरह करके रिक्वायर होगा, हमने कैसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ ना हमने, ऐसे हो गया ये ओपन, ओके सही है, ओपन AI ऐसे इंपोर्ट कर लिया हमने इसको और ऐसे न्यू ओपन AI हो गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वाला तरीका क्या हो गया,
एक्सपायर हो गया, इसकी जो API की है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। बस सेट हो गया। अच्छा इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली अब, ठीक है। OpenAI वाली जो लाइब्रेरी थी Node.js की, वो थोड़ी सी अपडेट हुई है। अच्छा ऐसे करके अब OpenAI बन चुका है, अब चल रहा है अभी। अब क्या एरर है? अपसर्ट रिक्वेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अरे यार मैं, पता क्या मैंने मिस्टेक की है, मैं आया हुआ इस वाले पे, मैंने एक्चुअल उसमें तो चेंज कर दिया लेकिन मेरे वाले प्रोजेक्ट में नहीं किया मैंने। मेरे वाले प्रोजेक्ट में भी तो करूँ मैं, असल में दोनों बिल्कुल एक जैसा है ना, तो मुझे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों में चलो चेंज कर दिया मैंने, जो मेरा ओरिजिनल हेलो वर्ल्ड का कोड था उसमें भी चेंज कर दिया और मेरे अपने वाले में इसमें भी आके चेंज कर दिया। सही है, सही है। OpenAI का जो जो अपडेटेड कोड था वो मैंने लगा दिया, तो मेरा ये सर्वर सही चल पड़ा। और ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको तो मुझे चलाना नहीं है ना, इसको मैं बंद ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको मैं बंद रखता हूँ और इसको ऐसे ही क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मुझे फील हो कि अच्छा यार ये कोई दूसरी API है। अच्छा जी, अभी तक के केस में मेरे पास क्या हो चुका है? अरे यार ये पाइन कोन पे भी कह रहा है डेप्रिशिएटेड हो गया ये, चलो इसको भी अपडेट कर। देखो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, मैंने भी कुछ दिनों पहले ही बनाया है, ये एक महीना हुआ होगा बहुत ज़्यादा। अब ये कह रहा है भाई इस तरह नहीं होगा ये, अब कैसे होगा? चलो पाइन कोन में भी लगे हाथों देख लें। NPM पाइन कोन लिखा मैंने, तो ये मेरे पास पाइन कोन स्लैश डेटाबेस आ गया। इंस्टॉल तो वैसे ही हो रहा है। और अच्छा अब पाइन कोन क्लाइंट जो पहले मैं करता था, अब पाइन कोन क्लाइंट नहीं है, अब क्या नाम है इसका? अब नाम है इसका पाइन कोन जस्ट। दोनों में चेंज कर देता हूँ मैं ये भी, सही है, दोनों में पाइन कोन कर दिया मैंने। और क्या चेंज हो गया नीचे? इसको जो करते हैं कि न्यू पाइन कोन और उसके अंदर API की API एनवायरनमेंट, ये भी, ये तो आई थिंक चेंज नहीं हुआ ना। अच्छा पहले मैं करता था पाइन कोन डॉट इनिट, अब मैं पाइन कोन डॉट इनिट नहीं करता, अब मैं करता हूँ ये, ठीक है जी। एनवायरनमेंट और API की मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ, सही है। पहले मैं दो लाइन में लिखता था, अब मैं एक लाइन में लिखता हूँ। अच्छा अवेट भी लगता था इसमें पहले डॉट इनिट के लिए, अब अवेट नहीं लगा रहे हैं ये, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी अपडेट कर दिया और उधर भी अपडेट कर देता हूँ, अपने अभी वाला जो कोड है उसमें भी अपडेट कर देता हूँ ये, सही है। अब ये इस तरह से होगा, ये नया कोड आ गया, ठीक है जी, अब सही है, अब मेरा कोड चल रहा है ठीक। तो फाइनली अभी तक हम अपने अपने सर्वर में क्या कर लिया है, अपने सर्वर में पाइन कोन को इंस्टॉल किया है, OpenAI को इंस्टॉल किया है और नैनो ID को इंस्टॉल किया है, ये तीन चीज़ें इंस्टॉल की हैं। अब इसमें से दो जो है, यानी कि OpenAI उसको इनिट करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये टोकन के साथ इनिशियलाइज़ होता है, तो ये इनिशियलाइज़ कर लिया हमने और पाइन कोन को भी इनिशियलाइज़ कर लिया। अब फाइनली जाके हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट आता है फ्रंट एंड से, पोस्ट राउटर में चला जाता हूँ मैं और यहाँ पे जाके ना, अच्छा अब मैंने वो इनिशियलाइज़ तो उस फाइल में किया, मुझे चाहिए अब ये यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे दोबारा से वो करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसे तरीका ये करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, कहाँ गया हमारा, जैसे ये OpenAI डॉट लग के अब सारा काम होगा, ये डॉट लग के सारा काम होगा, तो इतना पार्ट हम किसी तीसरी फाइल में करते हैं और उसको यहाँ से, जैसे इसको ना मैं एक्सपोर्ट करा देता, मैं कैसे करता, ऐसे कर देता मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट OpenAI, ठीक है, फिर मैं इसको इंपोर्ट करता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा मैं उधर ही ले जाता हूँ ना, जहाँ पे मुझे उसको इस्तेमाल करना है ना एक्चुअल में, इस पूरे के पूरे को मैं वहाँ ले जाता हूँ, सही है। अच्छा MongoDB में हमने ये वाला काम एक्चुअली किया था ना, MongoDB में हमने ये वाला काम किया हुआ था, तो चलो एक काम करते हैं फिर, प्रॉपर कर ही लेते हैं यार, जब कर ही रहे हैं तो प्रॉपर कर लेते हैं। कहाँ गया जी वो MongoDB.mjs है ना, तो MongoDB.mjs के साथ साथ मैं क्या बना लेता हूँ फाइल, pinecone.mjs, और ये पाइन कोन वाला सारा काम मैं इधर कर देता हूँ,
पाइन कोन को मैंने यहाँ से किया कट, और यहाँ से भी मैंने किया इसको कट, सही है। और मैं पाइन कोन में जाके ये काम कर देता हूँ, और मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पाइन कोन, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ, डिफॉल्ट से ही होगा, मैं किसी भी नाम से इम्पोर्ट करूँ हो जाता है। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट लिखूँगा, डिफॉल्ट नहीं लगाऊँगा, तो फिर मुझे क्या होगा, फिर मुझे एग्जैक्टली उसी नाम से इम्पोर्ट करना पड़ेगा जिस नाम से मैंने भेजा हुआ, सही है। ये बात समझ आई ना, अगर एक ही फाइल से मुझे दो तीन चीज़ें इम्पोर्ट करा एक्सपोर्ट करानी है, तो फिर मैं डिफ़ॉल्ट तो एक पे लगा सकता हूँ, सब पे नहीं लगा सकता, सही है। वापस आके मैं तुझे एक दफ़ा ज़रा वो भी करा दूँ, देखो अगर मैं डिफ़ॉल्ट नहीं लगाऊंगा ना, तो मुझे ऐसे करके इम्पोर्ट करना पड़ेगा, सही है, जिस नाम से किया उसने। अब इसको मैं पाइन कोन की जगह ना ई अगर हटा दूँ, एरर देने लग जाएगा, सही है, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। ऑन अदर एंड अगर कोई चीज़ मैंने डिफ़ॉल्ट करके ये एक्सपोर्ट की हुई है, तो अब आप देखो इसको मैं जिस नाम से भी करूँगा ना, ये मना नहीं करेगा मुझे, ठीक है। आ जाओ अब कहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पोस्ट डॉट एम जे एस के ऊपर ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये मोंगो डी बी को किया हुआ है ना रिक्वायर, सही है, इसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इम्पोर्ट और पाइन कोन क्लाइंट, ठीक है। देखो नाम मैंने उधर पाइन कोन लिखा था, यहाँ पे पाइन कोन क्लाइंट लिख रहा हूँ, फ्रॉम और पाइन कोन डॉट एम जी एस, तो इट्स परफेक्टली फाइन। मुझे इसको डी स्ट्रक्चर भी नहीं करना, डिफॉल्ट पे ये इम्पोर्ट हो गया मेरे पास। अच्छा ये हो गया जी। अच्छा आप ओपन ए आई का क्या करें, उसकी भी एक अलग फाइल बना दिया जाए क्या? एक काम करता हूँ, ओपन ए आई वाले को भी ना सी पाइन कोन के फोल्डर में फेंक देता हूँ जाके मैं, और इसको क्या करा देता हूँ बगैर डिफॉल्ट वाला एक्सपोर्ट, ताकि दोनों की डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाए, है ना। चलो बात निकल आई है ना, तो दोनों की डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाए ज़रा। अभी इसको मैंने पकड़ा यहाँ से, और इन दोनों को यहाँ से मैंने कट किया, और ये पाइन कोन वाली फाइल में लाके उसको मैं फेंक देता हूँ, सही है। इम्पोर्ट हमेशा फर्स्ट लाइन पे होता है, ES6 का रूल है ये, तो इम्पोर्ट मैं नीचे नहीं लिख सकता, इम्पोर्ट मुझे ऊपर ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन हुई, और इनिशियलाइजेशन होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ओपन ए आई, और ये पूरा ऐसे करके करूँगा। अब मैं ओपन ए आई को मैं इसी नाम से इम्पोर्ट करूँगा तो ये होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन ए आई क्लाइंट यहीं से लिख दूँगा मैं, क्योंकि मैं यहीं से लिखूँगा तो मुझे मिलेगा। अच्छा चलो यहाँ से नहीं, मैं उसको भी वहाँ पर लिखता हूँ, इसका भी एक तरीका है। अब मैं आता हूँ पोस्ट वाले पे, और पोस्ट वाले पे आके मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने जैसे पाइन कोन क्लाइंट इसमें से किया हुआ इम्पोर्ट, अभी सी फाइल में से मैंने क्या करना है, एक चीज़ को डी स्ट्रक्चर करके करना है, और उसका नाम क्या है, ओपन ए आई, सही है। तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन इसको दो लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहीं पे से कॉमा लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। कॉमा लगा के मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला आया और ये बगैर डिफ़ॉल्ट वाला आया, सही है। अच्छा अगर इसको भी मैं अगर ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ तो क्या होगा, मैं ऐसे करके लिख दूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। डिफ़ॉल्ट वाले को मैं किसी और, मतलब ऐसे करके भी कर सकता हूँ, लेकिन अब इसका नाम मुझे वही रखना पड़ेगा जो नाम उधर था, नाम उधर क्या था, जस्ट पाइन कोन था, तो मुझे यहाँ पे उसको पाइन कोन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो अलाउ है ना कि किसी भी नाम से कर लो, इस तरह वाले में नहीं है। तो बहरहाल खैर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ़ॉल्ट तरीके से ही करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था। इस वाले को मैंने क्या कर लिया, ओपन ए आई, लेकिन इस फाइल में ना मुझे ये ओपन ए आई के नाम से नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए ओपन ए आई क्लाइंट के नाम से। अब क्या करूँ मैं नीचे आके यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि जी कॉन्स्ट ओपन ए आई क्लाइंट इक्वल्स टू ओपन ए आई, ठीक है। तो इस तरह अब मुझे इस फाइल के अंदर ये ओपन ए आई क्लाइंट के नाम से मिल रहा होगा, लेकिन ES6 में इसका भी एक तरीका बिल्ट इन दिया हुआ है, उन्होंने बोला भाई ऐसे आप नहीं करो, आप यहीं पर लिख दो कि ओपन ए आई एज ओपन ए आई क्लाइंट, तो ये यही सेम काम करेगा, यानी मैं ये वाला जो काम करूँगा ना तो वो इधर ही हो गया। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़रा यहाँ पे आज डिस्कस हो गया लगे हाथों, ठीक है। इसको मैं दो लाइन में चाहूँ ब्रेक करना तो दो लाइन में ब्रेक भी कर सकता हूँ इसको मैं, सही है, दो तीन लाइनों में इसको ब्रेक कर दिया मैंने जस्ट इन केस, ठीक है। चाहूँ तो ना भी करूँ ब्रेक, इसी तरह चलाऊँ उसको मैं, ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम, अच्छा इस तरह लाइन ब्रेक करके ना पाइथन में बड़ा लोग फॉलो करते हैं, लाइन ब्रेक कर करके उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सबके लास्ट में मैं सेमी कॉलन लगा दूँ ताकि ज़रा सा इम्पेरेटिव फीलिंग आ जाए। अच्छा जी, तो
हमारा सेटअप ही कंप्लीट नहीं हो रहा। वो एक कहावत है ना, अंग्रेज कहते हैं कि जो है ना 90% जो एक डेवलपर का ना टाइम जाता है ना, वो असल में जाता है फोल्डर स्ट्रक्चर को आगे पीछे करने में, फाइलों को मैनेज करने में। तो अभी देखो ये फाइलें मैनेज कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से ना। अच्छा, जो हमारा ये नैनो आईडी है, इसको भी मुझे क्या करता हूँ, इसको भी कट करके मैं जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले से एक नैनो आईडी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे असल में कस्टम अल्फ़ाबेट वाला काम चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले को हटा देता हूँ और मैं कस्टम अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ना, वो वाला ले आता हूँ। ठीक है, कस्टम अल्फ़ाबेट करके मैंने ये कर लिया। हाँ भाई, समझ में आ रही है ना चीज़ें क्या हो रहा है। ये कस्टम अल्फ़ाबेट है और ये कस्टम अल्फ़ाबेट यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट हुआ है। कस्टम अल्फ़ाबेट में होगा कि यही वाले कैरेक्टर को इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ये लेकर नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर अगर आ जाता है तो फिर समटाइम वो सपोर्टेड नहीं होता। या अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व करता हूँ तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं वही स्पेशल कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व करूँ जो पाइन कोन में एज अ आईडी वो मुझे अलाउ करता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी पोस्ट वाले पे फाइनली। अच्छा, ये वैलिडेशन वगैरह लगी हुई है, ठीक है, ये मुझे लगा के रखना है वैलिडेशन। उसके बाद क्या होता है, ट्राई के ब्लॉक के अंदर आके मैं इसको डेटाबेस में इंसर्ट करता था, लेकिन अब की बार मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वेक्टर डेटाबेस है। आ जाओ वेक्टर में कन्वर्जन के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है ये, ओपन ए आई। अच्छा, ओपन ए आई क्लाइंट लिखूंगा मैं, राइट, क्योंकि मैंने ऊपर क्लाइंट के नाम से किया हुआ है। ओपन ए आई क्लाइंट डॉट क्रिएट एम्बेडिंग, और इसके अंदर ये दो मैंने दे दिया मॉडल। आपको पता है एम्बेडिंग का एक ही मॉडल है, अभी हमने बता दिया, अभी हमने देख लिया डॉक्यूमेंट में। मैंने कहा ओपन ए आई डॉट क्रिएट एम्बेडिंग और ये दो, इसको मैंने पैरामीटर दे दिए। यहाँ पे मैंने एक्चुअल डेटा दे दिया जो मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब की बार मेरा जो है वो क्या है, एक्चुअली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट है ये। ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे टाइटल और बॉडी दोनों को इसमें इन्वॉल्व करना है, तो मैं टाइटल और बॉडी दोनों को कर देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल स्पेस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो स्ट्रिंग जो बनेगा ना इससे, उसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया। अच्छा, क्या मुझे यहाँ पे ऐसे करके लिखना चाहिए टाइटल कॉमा, नहीं, वो इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि मेरे पास मिसाल के तौर पर डेली बेसिस पे 2000 पोस्ट आती है, अब वो ये हर के साथ ये टाइटल बनेगा, सही है। अच्छा, तो अब सर्च बार में अगर किसी ने टाइटल लिखा तो ये पोस्ट आ जाएगी ना, ये वाली आ जाएगी। अब हालांकि उसके एक्चुअल टाइटल में कहीं टाइटल तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये पोस्ट आ जाएगी, तो दिस इज़ नॉट गुड। और इससे नुकसान अल्टीमेटली ये होगा कि अगर किसी पोस्ट के टाइटल में टाइटल एक्चुअल में लिखा हुआ होगा तो वो नीचे कहीं चली जाएगी, वो ऊपर आने के बजाय ना वो नीचे चली जाएगी। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर ये आर्टिकल लिखा कि द टाइटल ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, ये अगर किसी ने आर्टिकल का लिखा हुआ है, या कहीं अपने पैराग्राफ में उसने कहीं पर है ना कि भाई टाइटल लिखा हुआ है अगर, तो वो टॉप पे आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो हर पोस्ट के अंदर टाइटल आ रहा है अगर वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो। ठीक है, तो वेक्टर बनाते हुए मैं, अच्छा ना सिर्फ मैं इसको इस तरह करके लिखता हूँ, इसमें टाइटल और बॉडी दोनों को मैंने इन्वॉल्व किया, ताकि जब मैं सर्च करूँ ना तो टाइटल या बॉडी दोनों में से कहीं पे भी अगर वो मिल जाए, जो भी मैंने बात लिखी है, तो वो उसको पकड़ ले। अच्छा, इसको ना मैं सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम इसको मैं सैनिटाइज भी करता हूँ। सैनिटाइज जो एक अप्रोच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें से स्पेशल कैरेक्टर वगैरह हटा देते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, तो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन सारे स्पेशल कैरेक्टर भी हटाने या नहीं हटाने, ये भी आपकी अप्रोच डिसाइड करेगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, तो वो बताएगी। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर सारे हटा देते हैं, कहीं पे अगर एक से ज़्यादा स्पेस है, लाइन ब्रेक्स अगर कहीं पे हैं तो वो हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी कोई ऐसी चीज़ें हुई ना जो डेकोरेटिव है ना, एक तो सिमेंटिक होता है, एक डेकोरेटिव होता है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई द टाइटल ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये पूरा जो है वो इसकी सिमेंटिक्स हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ये लिखने के बाद उसने लास्ट में एक इमोजी बनाई हुई है स्टार की, जैसे सिक्के की एक वन लिखा हुआ सिक्के की इमोजी, तो इस कम्प्लीटली डेकोरेटिव है। तो इस तरह की इमोजीज वगैरह अगर कोई मेरे पास है ना, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वो कैसे रिमूव करता हूँ मैं, इसको मैं UTF-8 में कन्वर्ट मारता हूँ। ठीक है, अब सैनिटाइज करने के ना अलग अलग
मतलब इंटरनेट पे तरीके मौजूद हैं, हम फिलहाल इसको सैनिटाइज नहीं कर रहे, टू कीप इट सिंपल सैनिटाइज कुछ भी नहीं है, बस इसमें से कुछ गैर ज़रूरी जो है ना चीज़ें उसको रिमूव मार देते हैं, क्योंकि जो आपके पास इमोजी है ना, इमोजी जैसे स्माइली कोई इमोजी है, तो वेक्टर के अंदर उसका कोई मतलब नहीं है, सही है। आई एम नॉट श्योर कि शायद ओपन एआई वाले में होता हो, लेकिन जैसे अब एक डॉलर का साइन बना हुआ है, ये जैसे फुल स्टॉप लगा हुआ है, कोई जुमला है उसके अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, अब वो फुल स्टॉप जो है ना एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा जा रहा है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को कोशिश करता हूँ मैं रिमूव कर दूँ, इन चीज़ों को रिमूव करने से सम टाइम ये देखा गया है कि जो रिज़ल्ट है ना मेरा वो बेटर आ रहा होता है, ठीक है। स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आपका सिनेरियो क्या है, आपके सिनेरियो में हो सकता है आप ना भी रिमूव करें तो रिज़ल्ट ठीक ही आ रहा हो, सही है। अच्छा मैं जाके जल्दी से गूगल पे लिख के देख लेता हूँ कि सैनिटाइज टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इसने जो है ना देखिए ये बता दिया कि सैनिटाइज इनपुट बिफोर एडिंग इट टू द जावास्क्रिप्ट डॉम, तो इसने बोला कि भाई ये सैनिटाइज करने के लिए ना आप ये चीज़ें हटा दो, ठीक है, क्योंकि डॉम के ऊपर इसका एंगल ब्रैकेट का एक सर्टन मतलब होता है, अगर एंगल ब्रैकेट लगा के आपने कोई चीज़ डॉम पे डाली तो हो सकता है वो एज ए एलिमेंट नज़र आ जाए, ठीक है। तो उसने बोला M% को हटाओ उसकी जगह ये लगाओ, एंगल ब्रैकेट हटाओ उसकी जगह ये लगाओ, तो सैनिटाइजेशन इस तरह से की जाती है, ठीक है। अब आप साथ में लिखेंगे कि यार मैंने पाइन कोन में डालना है, सही है, तो पाइन कोन में डालने के लिए क्या सैनिटाइजेशन होती है वो भी लोग बता देंगे ना, सैनिटाइज यूज़ इन JS कोड प्रॉपरली, ठीक है। ये रहा टॉक टू योर टेक्स्ट फाइल इन वेक्टर डेटाबेस GPT-4 करके इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, तो इसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ होगा कि जो है ना सैनिटाइज करना कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्कस किया हुआ होगा। अच्छा इसने जो है ना रिपोजिटरी का लिंक विंक यहाँ पे दिया हुआ है, शायद कह रहा है कि बस उड़ते हुए जाओ उसके अंदर जाके देख लो सब क्या है। वेल तो ये तो हो गई थी हमारी सैनिटाइजेशन की बात ना। अच्छा जी तो मैंने क्या यहाँ पे कर दिया, मेरे इसमें आ जाता हूँ मैं, तो ये मेरी पोस्ट की API है जिसके अंदर यहाँ पे टॉप पे वैलिडेशन लगी हुई है। वैलिडेशन के फ़ौरन बाद मैं क्या करता हूँ एक ट्राई का ब्लॉक बनाता हूँ, और उस ट्राई के ब्लॉक के अंदर मैं कहता हूँ कि openai.client.createEmbedding और क्रिएट एम्बेडिंग करके इसको मैं ये इनपुट बना के देता हूँ, और जब इसका रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स में से .data.data.embedding ऐसे करके मैं वेक्टर निकाल लेता हूँ। अच्छा वेक्टर और एम्बेडिंग ना एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। ओपन एआई वाले इसको एम्बेडिंग बोलते हैं, लेकिन वेक्टर और एम्बेडिंग असल में एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो यहाँ पे डॉट एम्बेडिंग करके मुझे मिलता है, इतने को चला के देख लेते हैं कि जी यहाँ से अगर मैं एक फ्रंट एंड से एक पोस्ट भेजता हूँ तो ये कोड जब चलेगा तो ये वेक्टर मुझे कॉन्सोल पर प्रिंट होकर मिल जाना चाहिए, तो मिलता है कि नहीं मिलता ये देख लेते हैं। हाँ क्या बनाया था, अभी तो बना रहे हैं ना MongoDB में, क्या मतलब ये MongoDB में काम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ अपने, पाइन कोन में सेव अभी कराएंगे, लेकिन अभी जस्ट वेक्टर बनाया है, अभी इसका अगला स्टेप होगा इस वेक्टर को पाइन कोन में स्टोर करवाएंगे। तो जस्ट अभी देख लें कि वेक्टर तो बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसमें ये देगा एक अदद एरर, सही है, वो एरर ये देगा कि ये लाइब्रेरी भी अपडेट हो गई है, डॉट क्रिएट एम्बेडिंग नहीं है अब इसके अंदर जो है ना, अभी शायद याद आ जाए मुझे, सही है, थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ अपडेट हो गई है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि यार ये ना, हाँ कह रहा है ना डॉट क्रिएट एम्बेडिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये अब जो है ना ये है डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट है, ये सही है, ये भी अपडेट हो गई है। और यहाँ पे जो डॉट डेटा करके भी ना एक डेटा यहाँ से हटा दिया इन्होंने, डॉट डेटा दो दफ़ा था ना, तो शायद बग था ये इनके साइड से पता नहीं, तो इन्होंने उसको भी हटा दिया, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली ये मुझे ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसने ये वेक्टर बना के दिया है, सही है, देखो ये वेक्टर बन के प्रिंट हो गया, सही है, लिखा हुआ आ गया वेक्टर, ये वाली लाइन प्रिंट हुई है एक्चुअली, ये वेक्टर लिखा हुआ आ गया, और ये 1536 इंडेक्सेस का एक एरे मुझे मिलेगा, मैं चाहे जितना भी लंबा टेक्स्ट दे दूँ या चाहे जितना भी छोटा टेक्स्ट दे दूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँ इसको, ये जब वेक्टर बनाएगा ना उसका, तो मुझे हमेशा 1536 इंडेक्सेस का एक एरे मिलेगा, जो कि इसको बोलते हैं ये डायमेंशन, जब वेक्टर बनाते हैं ना हम तो उस वेक्टर के डायमेंशन होते हैं, वो 1536 डायमेंशन की वजह से 1536 इंडेक्स का एक एरे मिलेगा। अच्छा अब ये वेक्टर हमारे पास बनकर आ चुका है, अब हमने इस वेक्टर को क्या करना है, इसको सेव करवाना है पाइन कोन डेटाबेस में, तो मैं अपने वापस हेलो वर्ल्ड वाले कोड में आता हूँ, और पाइन कोन में स्टोर करवाने वाला जो कोड है ना उसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ लाता हूँ,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा काम कर रहा हूँ मैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये ऑब्वियसली। ठीक है, क्या किया मैंने वेक्टर बनने के बाद, मैंने ये किया कि मैंने कहा इंडेक्स इक्वल टू पाइन कोन डॉट इंडेक्स, सही है, और यहाँ पे मैंने ये इंडेक्स का नाम दे दिया कि जी इस डेटाबेस में मैं करने लगा हूँ। अच्छा, मे बी ये वाला काम मैं टॉप पे भी कर सकता था ना, इट्स नॉट अ बिग डील कि इसको मैं अगर टॉप पे, चलो यहाँ से मैं हटा के टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा नीचे वाला कोड मेरा क्लीन रहे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको टॉप पे किया हुआ ना, डीबी और कलेक्शन दोनों बनाई हुई है, तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार पी सी इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है, कि पाइन कोन इंडेक्स है ये, ठीक है। अच्छा, पाइन कोन इंडेक्स यहाँ पे बनाया हुआ था, मैंने ऊपर कर दिया उसको। अब उसके बाद मैंने बनाई है अपसर्ट रिक्वेस्ट। अपसर्ट क्या चीज़ होती है पता है किसी को? अपडेट और इंसर्ट को मिला के ना अपसर्ट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये भाई, जब हम कोई भी डेटाबेस में कोई चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और अगर वो चीज़ पहले से मौजूद होती है तो वो तो एरर दे देगा मुझे, ठीक है, लेकिन अपसर्ट की रिक्वेस्ट में जो है ना वो एरर नहीं देगा, बल्कि अगर कोई उसी, जैसे एक आईडी अंडरस्कोर आईडी, अब उसी अंडरस्कोर आईडी के नाम से मैं नया डेटा क्रिएट करने की कोशिश करूं तो मोंगोडीबी में ये देगा एरर सीधा सीधा, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट अपसर्ट की है अगर, तो एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग होगा उसको अपडेट मार देगा, ये वाला डेटा रख देगा उसको। अच्छा, इसी तरह से वाइस वर्सा, कि अगर किसी चीज़ को मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आईडी थी, मैंने कहा अपडेट मारो जाएगी, अब वो है ही नहीं तो वो तो एरर दे देगा, ठीक है, लेकिन अगर अपसर्ट की रिक्वेस्ट होगी तो नहीं देगा, वो कहेगा अच्छा नहीं मिला, अपडेट करना था और डेटा नहीं मिला, तो वो क्रिएट मार देगा, ठीक है, यानी इंसर्ट मार देगा, तो वो इंसर्ट और अपडेट का एक मिक्सचर है। तो अपसर्ट जो है वो बड़ी जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती, तो इन्होंने बनाया ही अपसर्ट है, इन्होंने बोला भाई अपसर्ट ही होगा, अपसर्ट की रिक्वेस्ट है। इसके अंदर जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह मैं दो तीन चार पाँच जितने भी दूंगा तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मोंगोडीबी में हमारे पास था ना इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, इसमें एक ही है, यानी इंसर्ट मैनी है इसका, इंसर्ट वन का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरे को भी बना के उसको कॉमेंट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने दी हुई आईडी जो कि मेरे इस डॉक्यूमेंट की आईडी है। अच्छा, ये आईडी यूनिक होनी चाहिए, अगर ये आईडी पुराने मौजूद किसी डॉक्यूमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बजाय उस पर जाके ओवरराइट कर देगा, उसको अपडेट मार देगा, सही है। दूसरा, वैल्यूज़ के अंदर मुझे वेक्टर देना है, जो वेक्टर मैंने अभी अभी किससे बनवाया है, ओपन एआई से बनवाया है, यहाँ पे मुझे वो देना है। साथ में मैं कुछ मेटा डाटा भी दे सकता हूँ। अच्छा, मेरे केस में मैं मेटा डाटा में क्या देना चाहूँगा साथ में इसके चपक के, जब भी मैं गेट करूँ ना तो मेटा डाटा में जो चीज़ें वो साथ साथ आएँ वापस, बताओ क्या देना चाहिए मुझे। अगर मैं ये पूरा डेटा दे दूं इसको तो क्या ख्याल है, सही नहीं है? टाइटल दे दूं, टेक्स्ट दे दूं और क्रिएटेड ऑन भी दे दूं, तीनों चीज़ें दे दूं अगर मेटा डाटा में, तो सही नहीं है? सही है, और बल्कि सही भी नहीं है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है मेरे लिए। उसका रीज़न ये है कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट को मैं क्रिएट तो कर रहा हूं, लेकिन जब इसको मैं वापस गेट करूंगा तो वेक्टर को मैं एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट थोड़ी कर सकता हूं, वो तो वेक्टर रहेगा भाई। मैंने लिखा है कि यार गोल्ड मेडल एक सर्च क्वेरी में, और मेरे पास वो 10-12 डॉक्यूमेंट उठ के आ गए कि यार इसके करीब करीब ये 10-12 डॉक्यूमेंट में। अब वो 10 के 10-12 डॉक्यूमेंट में क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर को मैं डिस्प्ले कैसे कराऊं स्क्रीन पे, एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट वो होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर के साथ साथ ये मेटा डेटा मुझे मिलेगा ना जो, तो एक्चुअल डेटा में ना मेटा डेटा में भी स्टोर करवाया हुआ, यानी एक ही चीज़ को मैंने दो दफ़ा स्टोर करवाया हुआ, ठीक है, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है इस वक्त। मेटा डाटा ऑप्शनल है वैसे देना, अगर नहीं भी देंगे तो स्टिल ये सेव कर देगा उसको। अच्छा ठीक है जी, ये मेरा काम हो गया। अब मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आके मैं बोलता हूँ कि जी पी सी इंडेक्स, ठीक है, नाम क्योंकि मैंने चेंज किया है पाइन को। अच्छा, लास्ट में मैंने दिया है यहाँ पे नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब क्या है कि जी किस कलेक्शन में इसको डालना है। मेरे नेम स्पेस मैंने .env की फाइल में पहले से लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी रीसेंट रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई नेम स्पेस इन्होंने फ्री वाले में से ख़त्म कर दिए, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे गायब कर देंगे और चलाएंगे तो ये सही चलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि नेम स्पेस 3, 4, 5, 6, 10, 12 जितने मैं चाहूँ बना सकता था, फ्री वाले वर्जन में अब इन्होंने मना कर दिया है, तो अब ये जो बनेगा ना वो एक ही नेम स्पेस बनेगा, जो शायद एम्प्टी स्ट्रिंग आप उसको कंसिडर कर लें कि एक नेम स्पेस है, तो वही अलाउ है फ्री में, आप 2-3 नेम स्पेस नहीं बना सकते। हाँ, सिंगल टेबल, हाँ सिंगल डेटाबेस में सिंगल टेबल, इसको ऐसे समझ लें,
ठीक है, मुझे लेकिन अभी तक ये नेम स्पेस अलाउ कर रहा है, यानी मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल कलेक्शन या मल्टीपल नेम स्पेस, जो भी कह लो आप इसको, मुझे अभी तक ये अलाउ कर रहा है। मैंने भी फ्री वाला अकाउंट साइन अप किया हुआ है, लेकिन मैंने कुछ अरसे पहले किया था। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी पी सी इंडेक्स यानी कि पाइन कॉन इंडेक्स डॉट अपसर्ट, और ये अपसर्ट की पूरी रिक्वेस्ट जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था ये उसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये अपसर्ट रिस्पॉन्स के अंदर ना इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, अगर तो इस रिस्पॉन्स में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आता है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड अगली लाइन में मेरे पास चल पड़ेगा, जिससे पोस्ट क्रिएटेड का मैसेज चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस वक्त मेरा जो मोंगो डीबी था उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, और रोक के मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया पहले डेटा को, और उसके बाद पाइन कॉन में स्टोर करवा दिया। और पाइन कॉन में स्टोर करवाने के बाद मैंने बोला भाई पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फ्रंट एंड में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि फ्रंट एंड में कोई चेंज करने लायक चीज़ है ही नहीं मेरे पास। ये क्या हुआ, मेरा फ्रंट एंड रुक क्यों गया? फ्रंट एंड मेरा इसलिए रुक गया है क्योंकि npm start यहाँ से रुक गया। चल कैसे रहा था यार, फिर जब npm start रुका हुआ था। खैर, फाइव डबल ज़ीरो वन पे अब इसको रिक्वेस्ट नहीं मिल रही। अच्छा, सर्वर मेरा ब्रेक हो गया। सर्वर में क्या ब्रेक हो गया मेरा, देख लेते हैं। पाइन कॉन इज़ नॉट डिफाइंड, किस जगह पे? पाइन कॉन डॉट इंडेक्स जब मैं लिखता हूँ ना तो ये कहता है भाई पाइन कॉन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है भाई? अच्छा, पाइन कॉन क्लाइंट मैंने किया हुआ है ना, इस जगह पे कह रहा है कि पाइन कॉन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है यार, हुआ हुआ तो है। पाइन कॉन डॉट इंडेक्स, ओ अच्छा, पाइन कॉन क्लाइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मैंने जस्ट पाइन कॉन लिख दिया है। सही है, पाइन कॉन क्लाइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ। सही है, सेट हो गया, ओके हो गया। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे कुछ टाइटल लिखा और यहाँ पे कुछ मैंने लिखा तो, और इसको पोस्ट करूँगा तो ये जाके पाइन कॉन में स्टोर हो जाएगा। पता कैसे लगेगा मुझे पाइन कॉन में स्टोर हो गया कि नहीं हो गया? मैं यहाँ कॉन्सोल में आता ना तो मुझे दिखा रहा है कि 7 वैक्टर हैं इस वक्त। 7 वैक्टर का मतलब है कि 7 इसके अंदर पोस्ट मौजूद है, समझ लो आप। ठीक है, एक और मैं यहाँ से हिट करता हूँ, कहाँ गया जी मेरा, ये एक और हिट करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, अरे कोड ब्रेक हो गया, अब क्या हुआ? पाइन कॉन आर्ग्यूमेंट अपसर्ट हैज टाइप एरर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी एन अरे। अबे सही तो दिया है, अब क्या मसला हो गया उसको? अपसर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, अपसर्ट रिक्वेस्ट इसकी। नहीं, वो इसी तरह दिया जाता है उसको ना। नेम इसके ऊपर ये वाला नहीं, नहीं कमेंट कहाँ कर दिया मैंने? कमेंट मैंने किसी चीज़ को नहीं किया इसमें। ये यहाँ से शुरू है, ये यहाँ ख़त्म है। अपसर्ट रिक्वेस्ट है, पाइन कॉन इंडेक्स डॉट अपसर्ट मैंने चलाया, ये सेट हो गया, बिल्कुल ओके है ये। अपसर्ट हैड टाइप एरर्स, टाइप एरर कह रहा है, अच्छा टाइप एरर हो गया इसमें। अच्छा, ये नैनो आई डी हो गया, ओ आई सी, ये डेट जो है ना इसके अंदर अलाउ नहीं है, ये डेट इस पर अलाउ नहीं है, तो इसकी जगह मैं नंबर दूंगा एक्चुअली इसको, राइट? तो मैं नंबर कैसे दूंगा? न्यू डॉट गॉट डेट गेट टाइम, सही है, गेट टाइम करूंगा ना मैं, तो इससे मुझे वो मिली सेकेंड में नंबर दे देता है, राइट? ये इसमें डेट अलाउ नहीं है इसलिए एरर दे रहा है मुझे ये। अब नंबर मिल गया, अब नहीं देगा ये एरर। अब मैंने हिट किया इसको यहाँ से, एरर तो अभी इसने अभी भी दिया, अब क्या हुआ? अच्छा, एरर भी अभी भी सेम है। पढ़ लेते हैं एक दफा और क्या कह रहा है इस एरर में। ये मस्ट बी एन अरे बोल के चुप हो जा रहा है बस ये। अपसर्ट रिक्वेस्ट वेक्टर्स,
यार मुझे लग रहा है ये लाइन भी ना कुछ चेंज हो गई है, ये वाली लाइन भी कुछ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो मैं ज़रा ना अपसर्ट का जो है ना इसके डॉक्यूमेंट ज़रा एक दफ़ा देख लेता हूँ मैं। मैंने कहा npm i pinecone अपसर्ट, ठीक है। पाइनकोन डेटाबेस स्लैश पाइनकोन, राइट। यहाँ पे ना ज़रा अपसर्ट का देख लेते हैं इन्होंने कोई, क्योंकि जब ये इंस्टॉलेशन चेंज हुआ है तो हो सकता है वो भी चेंज हो गया हो। अच्छा अब ये होता है इंडेक्स डॉट अपसर्ट डायरेक्ट, और डायरेक्ट आईडी वैल्यू एवरीथिंग, सही है, बेहतर हो गया कोड पहले से। यार ऐसे ये रोज रोज अपडेट करेंगे लाइब्रेरी तो कैसे काम चलेगा यार। है ना, ये तो ऐसे ही सीधा सीधा इन्होंने वो किया हुआ है। अब की बार तो इन्होंने बोला भाई सीधा होगा ऐसे, ये होगा डायरेक्ट इंडेक्स के ऊपर डॉट अपसर्ट कॉल करोगे आप, ठीक है तो ऐसे कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं अब इस तरह से होगा, ये यानी इंडेक्स के ऊपर ना डायरेक्ट अपसर्ट कॉल होगा, और ये नेम स्पेस कैसे दूंगा फिर मैं उसको, नेम स्पेस देने का कोई ऑप्शन ही नहीं बताया। अच्छा मुझे याद आ गया, नेम स्पेस देने का एक और तरीका भी था इसके, नेम स्पेस देने का एक और तरीका था इसके, वो ये था। चलो फिर ये तो हट गया ना पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा हट गया, ये नीचे वाले आइटम भी पूरे के पूरे हट गए, ये नेम स्पेस वाली चीज़ भी हट गई। अब ये मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि मैं क्या कर दूंगा, ये डॉट अपसर्ट के अंदर ही इधर ही पास कर दूंगा मैं उसको। मैं कहूँगा पाइनकोन इंडेक्स डॉट अपसर्ट, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसको इधर ही पास कर दूंगा, ठीक है। और अगर तो मुझे नेम स्पेस को इस्तेमाल ही नहीं करना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर तो नेम स्पेस को मैंने इस्तेमाल नहीं करना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं ऐसे ही इसको आगे जाने दूंगा। लेकिन चलो इसको ऐसे चला के देखते हैं, सही है, ऐसे इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर गौर से क्या हो रहा है, ये वैक्टर क्रिएट हो गया था यहाँ तक ओपन AI, उसके बाद क्या हुआ है, PC पाइनकोन इंडेक्स डॉट अपसर्ट कॉल हुआ है, उसके अंदर डायरेक्ट ये दिया जा रहा है। पहले कैसे होता था, पहले एक अलग से बड़ा सारा ऑब्जेक्ट बनता था बेवकूफ़ी वाला, और जो है ना उसमें से फिर जवाब आता था। तो ये अपसर्ट रिस्पांस को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, होपफुली अब की बार अगर ये सही इंसर्ट हो जाता है। क्या पहले ही ब्रेक हो गया क्या ये, अब क्या हुआ है, पाइनकोन आर्ग्यूमेंट अपसर्ट है टाइप एरर, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी एन अरे, नहीं ये अपसर्ट में ये कह रहा है ये अरे ऐसे होना चाहिए ये वाला, हाँ नहीं सही है, एक से ज़्यादा अपसर्ट होता है ना। अब देखो डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है ना वो भी ज़रा अब तुक्के मारने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे टाइम आ गया अभी। अभी भी एरर दिया इसने यार, ये तो अभी चैट GPT को पता थोड़ी ना होता है। अच्छा एरर इंसर्टिंग MongoDB पाइनकोन कनेक्शन एरर, रिक्वेस्ट फेल टू रीच पाइनकोन, वेरीफाई यू हैव करेक्ट एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट ID एंड इंडेक्स नेम कॉन्फ़िगर्ड। नहीं ENV फाइल में मसला नहीं है, मेरे इंटरनेट में मसला है, मेरे हिसाब से इंटरनेट की वजह से ना उसको रीच नहीं कर पा रहा है, सही है। एरर तो टाइप वाला एरर तो इसने नहीं दिया, जो लोकल लेवल पे आ रहा होता ना वो एरर, वो वाला तो अब इसने नहीं दिया। एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं इसी खुशी में, ये MongoDB से भी लोड बड़ी देर में हो रहा है, ये तो MongoDB का है ना अभी जो लोड होता है, ये ना रिक्वेस्ट आई थी इधर, देखो बड़ी देर में MongoDB से लोड हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ और मैं पोस्ट करके बटन दबाता हूँ, ठीक है। देखो बड़ी देर में जवाब दे रहा है,
ये पोस्ट तो आ गई है, वेक्टर तो बन के तैयार हो गया है। अब ये अब पाइन कोन में जाते जाते क्या हुआ इसको? अच्छा, अब इसने कुछ और जवाब दिया। अब इसने बोला है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टेक्स्ट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मुझे ना ये जो जो डॉट टेक्स्ट है ये अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक ये वो है तो वो तो आगे जाने ही नहीं देगा इसको। मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट। नमाज का टाइम अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट सही तो लिखा है मैंने सब जगह। लाइन नंबर क्या आ रही है ज़रा इसकी देख लेते हैं यार। ज़रा फ्रंट एंड से देख लेते हैं एक दफ़ा कि भाई मैंने टेक्स्ट ही भिजवाया है या कुछ और भिजवा दिया। अच्छा, टेक्स्ट और टाइटल मैंने भिजवाया हुआ तो है यहाँ से। एक दफ़ा और ज़रा हिट करके देखता हूँ। हाँ चलो, मेटा डाटा हटा देते हैं ये लोग। फेल टू रीच पाइन कोन, अलग अलग किस्म के एरर दे रहा है। अच्छा, इस जगह पे ना मैं कुछ चीज़ों को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इस जगह पे ना। नंबर एक तो मेरा इंडेक्स का जो नाम है ना इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स का नेम लिखा हुआ है क्या मुझे वही नेम यहाँ पे मिल रहा है पीसी इंडेक्स करके मुझे। सही है, सही है। इंडेक्स नेम मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए करड ऑपरेशन, इस नाम से मिलना चाहिए ना। तो देखते हैं अभी यहाँ पे मुझे इसी नाम से मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, मेरे पास इंडेक्स नेम जो है वो मलिक सिंगर आ रहा है। सही है, तो ये एक मिस्टेक तो समझ आ गई। चलो इसको आके हम एनवी में ना सही लिख देते हैं। सही है, इंडेक्स नेम करता हूँ मैं और यहाँ पर आता हूँ। लास्ट क्या बकवास है, मैंने कहा इंडेक्स नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे आ गया ना, मैं ये करड ऑपरेशन को यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये क्या किया मैंने? सही है, इंडेक्स नेम को मैंने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया बड़ी ही चालाकी से, बगैर इसकी क्लोकिंग को मैंने ख़त्म किए हुए। सही है, अब मुझे ये करड ऑपरेशन मिल रहा है। अब ज़रा इसको हिट करते हैं दोबारा। ठीक है जी, सक्सेसफुली एडेड टू पाइन कोन। ठीक है जी, अपसर्ट रिक्वेस्ट जो मुझे अपसर्ट रिस्पांस जो मुझे वो अनडिफाइंड मिला है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर की तादाद है ना वो 7 थी पहले, अब 8 हो गई है। सही है, एक दफ़ा और हिट करूँगा तो 9 हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा हिट करता हूँ तो यहाँ पे ना 9 हो जाना चाहिए। तो इससे मुझे पता लगेगा कि वो सही से क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, 9 हो गया तो इसका मतलब है ये सही से इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया है, हमारा जो पोस्ट की जो एपीआई थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है किसमें,
मोंगो डीबी को रोक के हमने पाइन कोन उसकी जगह पर लगा दिया।